जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ नीलाद्रि कंदरानंदी मंदरालय वंदितम वंदे वंदारु मंदारम इंदिरा मंदिरं मोह। आज कार्तिक मासर सप्तम दिवस, ए सप्तम दिवस रे कौन विधि विधान पालन करिबा आउ सप्तम दिवस रे सप्तम अध्याय को आसंतु श्रवण करिबा जहाँ कि पद्म पुराण अंतर्गत श्री कार्तिक महात्म्य। कार्तिक महात्म्य सप्तम अध्याय उथुरुवाच नारद वाक्य कर्णे शुणी कार्तिक धर्म मने गुणी श्री एकादशी व्रत रीति जाणिबे जऊँ उत्तपति तुलसी महिमा कथने शुणी संशय राजा मने नारद मुख चाहि भणी भोमुनि असंभव वाणी किंपा कार्तिक उद्यापन तुलसी मूले दीपदान विशेष तुलसी सेवने असंख्य धर्म दीपदाने। अपूर्व भावर सहित ये सप्तम अध्याय को आरंभ करिचंती सत्यभामांकर पाखरे श्रीकृष्ण नारद महामुनि पृथ्वीक पाखरे सेभली भावर सहित देवश्री समस्त प्रकार समस्त साधु मानकर पाखरे सुत महामुनि मध्य सेभली भावरे कहउचंती कण नारद वाक्य कर्णे शुणी कार्तिक धर्म मने गुणी कार्तिकर कौन कौन धर्म एकादशी व्रतर नियम आउ कौन पाई दीपदान करा जाए था उद्यापन किपरि भावरे करिबा तुलसींकर संपूर्ण भावरे पूजनर महिमा तुलसी महिमा कथने तुलसींकर महिमा कौन रही किंपा कार्तिक उद्यापन तुलसी मूले दीपदान विशेष तुलसी सेवन तुलसी को विशेष भाव रे कार्तिक मास रे काहिंकि पूजा करिबा असंख्य धर्म दीपदाने कौन अच्छे से दीपदान रहस्य से समस्त प्रकार कथा को मुनि माने पचारुछंती आउरी कौन प्रश्न अच्छे आसंतु सुनिबा से कथा कह मुनि वर सुनी संशय जाउ दूर पृथु वचने देव ऋषि बोलंती सुण मनुवंशी तुलसी वृक्ष जहूँ जात कहिबा तही रचरित देव जे पूरा सत्य जुगे विविध संवत्सर जोगे भगवान आमे सुरापति संगरे घेनी बृहस्पति बहुत संपद व्यवहारे कले जे कपिलास पुरे ईश्वर दर्शन आसे इंद्र प्रवेश कपिलासे। पूर्व भावर सहित कथा तुलसींकर उत्पत्ति तुलसी किपरि भावर उत्पत्ति कहला तार बड़ प्रसंग आ गया से प्रसंग को भल भावरे बुझीबा दरकार आ गया तुलसीर महिमा को थरे बुझीगले आपण तुलसी को सबु पळे पूजा कले सबु किछि प्राप्ति होइबे। पृथुराजांकर वचन सुनी पृथुराजांकर प्रश्न अनुसारे नारद कहुचंती तुलसी वृक्ष जहूँ जात कहिबा तहीर चरित्र से चरित्र को आपण माने मध्य श्रवण करंतु देव जे पूरा सत्य जुगे सत्य जुग रे ये कथा आ गया विविध संवत्सर जोग संवत्सर जेपरी भाव रे अछि से संवत्सर जोगर नाम होची विविध नाम संवत्सर रे संपूर्ण भाव रे मघ मघवा नामे सुरापति से जने सुरापति अर्थात समस्त प्रकार रा संगरे घेनी बृहस्पति सुरापति अर्थात देवराज इंद्र होचंती सुरमानंकर पति सुरापति बोली कुआ जाई थाय मघवा नामे सुरापति बहुत संपद व्यवहारे गले से कपिलासपुर केउठा को गले ना कपिलासपुर को जे उठारे देवदेव महादेव विराजमान करिछंती कौन कहुछंती कौन तापर घटना घटुची संपूर्ण श्रवण कर देखिले गिरी बर शोभा थबल ज्योति तार प्रभा सुदस्फटिक गिरी बर विविध मणि रत्न सार कनक आदि अष्ट धातु विराज ज्ञान गुण हेतु विविध वनस्पति माने नव पल्लव अनुक्षणे पुष्प मंडित तरुबरे अमृत तुल्य फल धरे वृक्षक मूले हेम देवी सुनंदा नामे बहे नदी शुद्ध शीतल परिमल सर्वदा स्रवि बहे जल सारस गण जुथे जुथे जेने विभुदे स्वर्ग पथे कमल कुमुद नीलेन्द्री पुष्पे सुंदर दिशे नदी तीरे बसंती सिद्धिगण ध्यान चिंतंती नारायण
केवल जोगी शिव पादे मन निवेशे। अपूर्व कथा ठार वर्णना करागला कैलासर वर्णना। आज्ञा कैलासर वर्णना किपरि भावरे आउ कौन कहगला देखिले गिरी बर शोभा धवल ज्योति तार प्रभा। धवल ज्योति सेतिपाई धवल बोली सेतिपाई देवदेव महादेव को कहुच्छे कर्पूर गौरम करुणावतार। कर्पूरर वर्ण जी होती सी होती धवल वर्ण। आज्ञा से होती देवदेव महादेव। देखिले गिरीवर शोभा शुद्ध स्फटिक गिरीवर विविध मणि रत्न सार रत्नमय संपूर्ण भाव सुसज्जित होता से कैलासपुरी कनक आदि अष्ट धातु अष्ट धातु से संपूर्ण भाव से चतुर्वागरे मंडन होती विराजे ज्ञान गुण हेतु ज्ञानर कथा जितेबाला आसी था। आज्ञा ज्ञानी भितर प्रथम होती देवदेव महादेव तांक भरी आउ कई ज्ञानी नहंती संसार आज्ञा कहीं ज्ञान जिते प्रकार ज्ञान आम श्रवण करुंती समस्त प्रकार ज्ञान को ब्रह्म तत्व को जी व्याख्या करी पारी सी होती देवदेव महादेव आउ कही नुआ। आज्ञा से कथा वृक्ष मूल हेम देवी सुनंदा नामे बहे नदी। सुनंदा नाम आपण ग्राम से क्यों क्यों नदी बहुची कमेंट मध्यम निश्चित भाव में लिखी। आज्ञा से भाव में कैलासपुर आज्ञा कौन सुनंदा नाम नदी टीए बही बही जाऊँगी। आज्ञा तार जल शीतल जल आज्ञा आउ परिमल मध्य तार आउ कौन अच्छी ना सार सरग जुथे जुथे जेने विविध स्वर्ग पदे जपरी भाव स्वर्गर उपमा सहित ये मध्य अनेक मात्रा रे तुलना करा जाई सेठारे अनेक योगी ऋषि मुनि माने मध्य चिंता करुचंती आउ स्वयं महादेव ताहांकु चिंता करुचंती ध्यान चिंतंती नारायण नारायण को चिंता करी कौन कौन आउ वर्णना रही असंतोष सहस सहस्र अच्छा देखी आनंद सतीपति से बने जेते पशु जीवे निर्भय विहरती सर्वे रूपे दिशंती दिव्य शोभा सबुर देह शिव प्रभा करिणी जुते मत गज कहती ऐरावत तेज बने चिंतती कामधेनु शरद शशी प्राय तनु बने चरती कामधेनु शरद शशी प्राय तनु मृग श्रादुल सिंह ससा के कहासा सर्वे बक्षती पत्र फल पी नर्मदा नदी जल शिव आश्रमी महातेजा देखि विचारे देवराजा ईश्वर संपदर मूल्य तिनि भुवने नाही तुल वन पर्वत एड़े शोभा कि बा सुंदर पुर प्रभा के ममते देखी बालोचने बुझीबा शंकर दर्शने। अपूर्व भावर कथा इंद्रादि देवता माने जेते पहुंच जाइछंती सेठारे देखिले कौन केवल जोगी शिव पादे मन निवेशी अप्रमादे समस्त जोगी माने शिवंकर पाद को ध्यान करुछंती सहस सहस्र अछंती देखी आनंद सतीपति त्याकु देखी आनंदित होछंती के सतीपति स्वयं इंद्रदेव आउ कौन ये समस्त प्रकार रूप लावण्य को देखा सहित सेठे पशुपक्षी मान को देखिले कहा प्रति कहार हिंसा नाही कहीं संसार रे एभली भाव रे महाप्रभुंकर देवदेव महादेवंकर देखंतु। आज्ञा ये हूँ सिंहंकर वाहन रे पार्वती सदा सर्वदा बुली था। आज्ञा किंतु खाद्य किए हूँ गाई महिषी मान। आज्ञा किंतु महादेवंकर किए हूँ वाहन हूँ वृषभ कदापि खाद्य खादक एकत्रित कहीं किंतु खाती ना। आज्ञा सर्प मध्य महाप्रभुंकर गलारे शोभा पाता है किंतु सर्प क्या खाए मूषा मान को खाए मूषा मान मूषा हूँ वाहन कार ना गणपति से मध्य डरिकी पलाती ना कि खाती ना। आज्ञा आउ गोटे कथा मयूर को देखिले सर्प माने पलैवा कथा किंतु मयूर हूँ कुमारंकर वाहन किंतु मयूर सर्प देखिके मध्य जानती ना किंबातांकर कौनसी अनिष्ट हुए नहीं भाव में कैलासर शिव आश्रमे महातेजा देखी विचारे देवराजा देवराज विचार करुछंती ये की शोभा ये इंद्रादि देव इंद्रंकर जो पुरी सी मध्य मोर जो पुरी बा स्वर्गपुर ये तो
କୌଣସି କାଞ୍ଚିରେ ମାତ୍ର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମଧ୍ୟ ସମାନ ନୁହଁ। ସମସ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଶୋଭା କରିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବି, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବି, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବି, ସ୍ୱର୍ଗଧାମକୁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉପମା କୈଳାସ ପର୍ବତର କୁହାଯାଇଛି। ବନ ପର୍ବତ ଏଡ଼େ ଶୋଭା କିବା ସୁନ୍ଦର ପୁର ପ୍ରଭା, ଏ କ'ଣ କହିବା ତାର ସୁନ୍ଦରର କଥା। ବାସବ ଆଗେ ମନ ଜାଣି ଦ୍ୱାରେ ବସିଲେ ଶୂଳ ପାଣି, ଏ କଥା କ'ଣ ଆଗକୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଏତେ ବିଚାରି ତହୁ ଚଳି ଈଶ୍ୱର ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ମିଳି, ବାସବ ଆଗ ମନ ଜାଣି ଦ୍ୱାରେ ବସିଲେ ଶୂଳ ପାଣି। ବାସବ ଗର୍ବ ବିନାଶ ନେଇ ଶିବ ବିଚାର କଲେ ମନେ, ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ଗୋପ୍ୟ କରି ମାୟା ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧରି, କଜରା ଅବସ୍ଥା ତନୁ କ୍ଷୀଣ ମଳିନ ବସ୍ତ୍ର ବେଶହୀନ, ଅଧୋବଦନେ ଦ୍ୱାରେ ବସି ଇନ୍ଦ୍ରତା ସନ୍ନିଧେ ପ୍ରବେଶୀ, ହେ ବୃଦ୍ଧ ନର ପୁଚ୍ଛ ତୋତେ ଦ୍ୱାରେ ବସିଛ କି ନିମନ୍ତେ, କାଳେ ତୋ ପ୍ରାୟ ତନୁ ଦେଖି ତୁକି ବିଖୁକ ନିରିମାଖି। ଅପୂର୍ବ ଭାବର ସହିତ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଲୀଳା କ'ଣ ନା ବୃଦ୍ଧ ବେଶ ଧରି ଦ୍ୱାରରେ ବସିଗଲେ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗର୍ବ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା। ଜେନର ତପା ଜରନ୍ତି ଦେବେ ତାହାର ବିଘ୍ନ ଚିନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରନ୍ତି ବିଘ୍ନ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ଗର୍ବକୁ ଖର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କ'ଣ କଲେ ଏକ ବୃଦ୍ଧର ରୂପ ଧାରଣ କରି ବସିଗଲେ ଦ୍ୱାରରେ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରରେ ଅଧୋବଦନେ ଦ୍ୱାରେ ବସି ଇନ୍ଦ୍ରତା ସନ୍ନିଧାନେ ପ୍ରବେଶ, ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନିଧାନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଯିବା କଥା ଯାଇଥାନ୍ତି, ଇଏ ଯଦି ନ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ଏଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିବାର ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାନ୍ତୁ। ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ଥିବା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଝାମଲାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁନି। ଯଦି ପଡ଼ିବେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହେ ବୃଦ୍ଧ ନର ପୁଚ୍ଛ ତୋତେ ଦ୍ୱାରେ ବସିଛ କି ନିମନ୍ତେ, କାଳେ ତୋ ପ୍ରାୟ ତନୁ ଦେଖି କି ତୁ ଭିକ୍ଷୁକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଜଣଙ୍କର କଥାକୁ ଆପଣ ନ ବୁଝି ତାର ବେଶଭୂଷାକୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ଜଣକ ଭିକ୍ଷୁକ ହେଇଥିବ ତାର ସେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ଥିବ, ଦେଖାଯାଉଥିବ ଅରକ୍ଷିତ ଭଳି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ମାୟା, ଏ ମାୟାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଯାଚକ ବୃତ୍ତେ ଅଛୁବାସୀ କିଏ ବାସିବ ପୁରବାସୀ, ଦେବେ ଶଙ୍କର ଗଣ ତୁହି କହ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି କାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ଅମର ପୁର ରାଜା ଦେଖିବୁ ଶଙ୍କର ଗିରିଜା, କେମନ୍ତ ଶୋଭା ଶିବପୁର ଈଶ୍ୱର ସମ୍ପଦ ବ୍ୟବହାର, ଦେଖି ତା କରେ ଅଛୁ ସାଧ ଯାହା ପଚାରୁ କହ ବୃଦ୍ଧ, ବାସବ ଏକାନ୍ତ ବଚନେ ଶିବ କହନ୍ତି ମନେ ମନେ, ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ନ ଦେଲେ ଉତ୍ତର ପୁଣି ପୃଛଇ ସୁନାଶିର, କେତୁ ବଧିର ଜଡ଼ ଜନ ପୃଛଇ ନ କହୁ ବଚନ, ଆମ୍ଭେ ଅମର ପୁର ରାଜା ଦେଖିବୁ ଶଙ୍କର ଗିରିଜା। ଇନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯାଚକ ବୃତ୍ତେ ଅଛୁଆସି, ଏଠାରେ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠାରେ ରହିଛ, କିଏ ବା ଶିବପୁରବାସୀ, କିଏ ଆପଣ ଶିବପୁରବାସୀ କି, ଯେବେ ଶଙ୍କର ଗଣ ତୋହି କହ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି କାହିଁ, ଯଦି ଶଙ୍କରଙ୍କର ଗଣ ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ବାଟ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭେ ଅମର ପୁରବାସୀ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଭକ୍ତଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଆଜ୍ଞା, ସେ କହେ ନାହିଁ ମୁଁ ହେଉଛି ଏସା ମୁଁ ହେଉଛି ତେସା, କଦାପି ମଧ୍ୟ କହିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଭକ୍ତର ମାନ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମର ସେତିକି ଭକ୍ତିଭାବ ଥାନ୍ତା, ମୁଁ କେବଳ ଶିବଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ମୁଁ ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରପୁରର ରାଜା, ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର, ଏତେ କଥା କ'ଣ କହିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା।
देवंकु शंकर गिरिजा मु देखिबा पई आसी छी आज्ञा केमंत शुभा शिवपुर ईश्वर संपद व्यवहार ईश्वरंकर संपत्ति ये व्यवहार कौन मु देखिबा पई आसी छी आज्ञा महाप्रभु चिंता करुचंती शिव कहंती मने मने शिव कौन कहुचंती ना इंद्र को न देले उत्तर पुणी पुछिब सुनासीर सुनासीर कहीं सुवर्णर मुकुट टिके उदाहरण करितिबा द्वारा देवदेव महादेव कहुचंती सुवर्ण शिर कितु विध विधत तापर कौन कहुचंती ना इंद्र कहुचंती तते कौन शुभा जाऊनी बधिर बोली कहुचंती जड़ जन पुछई न कुह वचन तुम्हें कौन कहिबा पई वचन पाइन तुम अमर पुर राजा मु हेउछि आंभे आंभे अमर पुर राजा गर्व केते देखंतु आज्ञा गर्व केते बेले करिबे ना आज्ञा गर्व करिबा मात्र के खर्व करिबा पई महाप्रभु पति त पावन बाना उड़ौछंती आज्ञा समस्तंकर गर्व कु कहा गर्व रखि नांती आज्ञा कि जे भी गर्व करी ता गर्व अल्प दिन में महाप्रभु विनाश कर देचंती कदापि केही गर्व करती ना महाप्रभुंकर पाख को आसिकी से तो देवदेव महादेव प्रथम दर्शन आज्ञा महाप्रभुंकर मंदिर में प्रवेश करेंगे समस्त सेठे कह गर्व को नाश करके आपण भितर को प्रवेश करेंगे गर्व थिला लोक महाप्रभुंकर दर्शन पाए ना बड़ बढ़िया जो आज्ञा भितर जदि गर्व थी महाप्रभु कौन ताकू बाहर को आसिले देखिबा आज्ञा सब करिबे किंतु महाप्रभु किपरि भाव पचारे से कहीपर महाप्रभु कौ कलर आज वस्त्र पिंधिथिले कौन लगिदा ताहापर आ महाप्रभु को दर्शन कर लाभ कौन आज्ञा जे दर्शन करुछंती महाप्रभुंकर पाद ठार मुंड पर्यंत जदि आपणकर संपूर्ण भाव हृदय स्थापित होनी ताले महाप्रभु को दर्शन कर किसी लाभ ना आज्ञा जेबे दर्शन करने जाऊँच एक मन रखि था महाप्रभुंकर सबकि देखिकी आसतु कहीं आपन गोटे लोक को देखीदे तार समस्त प्रकार वर्णना कर ड्रेस पिंधिलु या करूँ तत ये चलुलु ये कथा कहीपर कि महाप्रभुंकर केते बाटर आसन करूँ भल भाव आज्ञा से कथा चंद्र महाप्रभु यठार गर्व को नाश करने जो जे गर्व को कौन कहते पुनर्वार तू क्यों गर्वे बसी अच्छु कथा कहू आंभे पुछु आ मु कथा कहू जी तते शुभा जाऊनी महाप्रभु कौन कहते आसंत शुणा तू क्यों गर्वे बसी अच्छु कथा न कहू आंभे पुछु चंद्र को चाह मने कोपी किंचित ओष्ठे दंत चापी ए मंतवास बवचने शंकर कर्क सलोचने देखे चक्रोधे सुरपति गेनिले कोली सशकते राजस गुणे सचिनाहा रुद्र को पचारे ताहा से वज्र रुद्र कंठे पड़ी सुबिला जेने घर घड़ी अंगे नभेदे देवसर उपुड़ी पड़ा भूमिर ईश्वर कंठे वज्रवाजी अनल जात हेला गर्जी कंठ दिशिला कृष्णवर्ण निज स्वरूप त्रिलोचन बासव आगे हेले उबा विराजे अंग ज्योति प्रभा एभली भाव में विभिन्न प्रकार प्रश्न करवा उत्तर जिते नदेबले कौन कले से वज्र कंठ संपूर्ण भाव में वज्र को संपूर्ण भाव में काढ़ी प्रहार कर चंद्र को चाह से कौन कर वज्र को जो बड़े घात कर से कौन बाजी ना महाप्रभुंकर कंठरे से बाजी से कहगला कौन ना वज्र रुद्र कंठे पड़ी शुभिला जेने घड़ घड़ी शब्द कहीं महाप्रभुंकर ये वज्रर कि जो इंद्रंकर वज्रर के बड़ आज्ञा देवदेव महादेवंकर कथा कहा जाइए आज्ञा महादेवंकर अवतार गोटे हूँ एकादश अवतार होती किए हनुमान से हनुमानंकर बल के आपड़ जान लें आश्चर्य आज्ञा कहते प्रकार हाथी अच्छा हजार बा सहस्र हाथीर बल गोटे कौन दिग्गज पाखे थाए सहस्र दिग्गज बल ऐरावतंकर पाखे थाए से भाव सहित सहस्र ऐरावतंकर बल इंद्रंकर वज्रे थाए इंद्रंकर जो वज्र जो सहस्र वज्रर बल केवल हनुमान कानिया अंगुरी आज्ञा अच्छे
ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼। ସେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସେ ବଜ୍ରାଘାତ କରିଛନ୍ତି। ବଳକୁ ବଳ ଯେତେବେଳେ କଷଣ ହୋଇଛି, ଘଡ଼ ଘଡ଼ି ନାଦ ଆଜ୍ଞା ଶୋଭିତ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତ୍ରିଲୋଚନ ସ୍ୱରୂପକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବାସବ ଆଗେ ହେଲେ ଉଭା ବିରାଜେ ଅଙ୍ଗେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଭା, ଜ୍ୟୋତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ମଣି କୁଣ୍ଡଳ ଫଣିହାର ଦେଖି କମ୍ପଇ ସୁନା ଶିର, ଅନଳ ତେଜ ଭୟ ପାଇ ଲୁଚିଲା ଗୁରୁ ପଛେ ଯାଏ, ଇନ୍ଦ୍ର ରକ୍ଷଣ ବୃହସ୍ପତି ଶିବଙ୍କୁ ଚାହିଁ କଲେ ସ୍ତୁତି। ପୂର୍ବ ଭାବର ସହିତ ଆଜ୍ଞା ଏଠାରେ ଆଜ୍ଞା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଉଭା ହୋଇଗଲେ କିପରି ଭାବରେ ମଣି କୁଣ୍ଡଳ ଫଣି ନାଗ, ନାଗ ମଧ୍ୟ ଫ ଫ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ, ଦେଖି କମ୍ପ ଇ ସୁନାଶିର, ସେତେବେଳେ କମ୍ପମାନ ହେଉଛି, ଥର ହର ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା। କିପରି ଭାବରେ ଥର ହର ହେବେ, ଇଏ ଛୋଟିଆ ଦୀପଟିଏ ମହାକାଶରେ ଆସୁଥିବା ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକ, ଇଏ କିପରି ଭାବରେ ତା ଦେହରେ ଥର ହର ହେବେନି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଛୋଟିଆ ଦୀପ ଆଉ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ସହିତ ତଫା ଦେଇପାରିବେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କର ପଛରେ ଯାଇକି ଲୁଚୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ରକ୍ଷଣ ବୃହସ୍ପତି ଶିବଙ୍କୁ ଚାହିଁ କଲେ ସ୍ତୁତି। ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି କିଏ, ବୃହସ୍ପତି। ଗୁରୁଙ୍କର ଧର୍ମ ଆଜ୍ଞା ଶିଷ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ଏଠାରେ ବୃହସ୍ପତି କିପରି ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ, ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ବୃହସ୍ପତି ଉବାଚ କପାଳେ ଯୋଡ଼ି ବେନି କର, ବୋଇଲେ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଅଧିପ ସୃଷ୍ଟି କରଣେ ତୋର ରୂପ, ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ସୃଷ୍ଟି କରୁ ପାଳନେ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ଧରୁ, ପୁଣି ସଂସାର ରୁଦ୍ର ରୂପେ ଏ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି କଳ୍ପେ କଳ୍ପେ। ଅପୂର୍ବ ଭାବର ସହିତ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, କପାଳେ ଯୋଡ଼ି ବେନି କର, ବୋଇଲେ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର, ଦୋଷ ଆପଣ ଆମର କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦରେ ପ୍ରଣିପାତ ହେଉଛି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଅଧିପ ସୃଷ୍ଟିକରଣେ ତୋର ରୂପ, ସୃଷ୍ଟିର କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ରୂପ ଆଜ୍ଞା, ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ସୃଷ୍ଟି କରୁ ପାଳନେ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ହେଉ ଆଜ୍ଞା। କୁହାଯାଇଛି ଏକୈକ ଶକ୍ତି ଭିନ୍ନା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିନିଯୋଗ କାଳେ, ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ, ସେଇ କଥାଟି ସୃଷ୍ଟିକରଣେ ତୋର ରୂପ ପାଳନେ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ଧରୁ, ଆଉ କ'ଣ ପୁଣି ସଂସାରେ ଯେତେବେଳେ ସଂହାର କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ପୁଣି ସଂହାରୁ ରୁଦ୍ର ରୂପେ ଏ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି କଳ୍ପେ କଳ୍ପେ, କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୂପ ଆଜ୍ଞା। ଏଣୁ ଏକାଳେ ପରିମାଣେ ତୋର ମହିମା କେବା ଜାଣେ, ଯେ ତୋର ଚରଣେ ଶରଣ ସେ ଖଣ୍ଡେ ଅକାଳ ମରଣ, ଅଶେଷ ବିପତି ଋତରେ ଯେ ନିତ୍ୟ ତବ ନାମ ଧରେ, ତୁ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ସଦାଶିବ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୁଗତିଦାୟକ ନମୋ ନମସ୍ତେ ତ୍ରିୟମ୍ବକ, ଅନ୍ଧକାରୀ ପୁତ୍ରିପୁରାରୀ ନମୋ ବିରୂପ ରୂପଧାରୀ, ତୋର ମହିମା ଅଗୋଚର କାଉଁ ଜାଣିମେ ପୁରନ୍ଦର, ନ ଜାଣି ଦ୍ରୋହ କଲା ତୋତେ ଏବେ କମ୍ପଇ ଭୟ ଚିତେ, ତୁ ଯେବେ ନ କରିବୁ ତ୍ରାୟୀ ଆଉ ରକ୍ଷକ ଅଛି କାହିଁ। ଅପୂର୍ବ କଥାଟି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା, କୁହାଗଲା ଯେ ତୋର ଚରଣେ ଶରଣ ସେ ଯେତେ ଯେ ତୁ ଚରଣରେ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ମୁଖ ହୋଇ ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଏ, ଯେ ତୋର ଚରଣେ ଶରଣ ସେ ଖଣ୍ଡେ ଅକାଳ ମରଣ, ସେ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଅକାଳ ମରଣ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କର କଥା, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଲିଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ 8 କଳ୍ପ ଧରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜୀବିତ ପାଇଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ମହିମାରୁ। ଆଉ କ'ଣ ଅନ୍ଧକାସୁରରୁ ଆପଣ ଅନ୍ଧକାସୁରକୁ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାରୀ ତ୍ରିପୁରାରୀ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ତ୍ରିପୁରାରୀ, ତିନିପୁରକୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ବୋଲି
त्रिपुरारी एवली भाव स्तुति करुचन तोर महिमा अगोचर तोर महिमा तांकु जणा नथिला से जानि नथिला सेति पई बालकटिए भाभी तांकु क्षमा करि दियंतु न जानि द्रोह कला तोते एबे कंपई भय एबे कंपुची भय रे पछरे रही आपण टिके क्षमा करि दियंतु करुणा कर तो महिमा इंद्र अपराध कर क्षमा सेवक हेले अपराधी त्रुप्रभु करुणा बारिधि आंभे सकल सुरगण तोर सेवक निशे जान प्रसन्न होई दया कर जीवने बर्तु सुनासीर एमंत बोले स्तुति बणी शुणी संतोष शूल पाणी अंगीरा मुख चाही हर बोलंती धन्य जीव तोर इंद्र रे देलु जीवदान एणु तु जीव नाम ज्ञान एवे अमर पूरे चल संगते घेनी आखंडल रुद्र श्रीमुख आज्ञा पाई जीव संगते सती साई शिव चरण तले पड़ी उठी कपाले कर जोड़ी करती विपरीत गति अदृश्य हेले उमापति इंद्र मनरे चिंता करी गले जे बाचस्पति पुरी अपूर्व भावर सहित स्तुति किए गले ना से बृहस्पति बृहस्पति स्तुति रे कहुछंती सेवक हेले के कले अपराध सेवक यदि अपराध करती सेवक हेले अपराधी तो प्रभु करुणा बारिधि यदि सेवक टीए अपराध कर दिए ना आपण होती करुणार बारिधि आपण करुणा कर दिंती आंभे सकल सुरगण तोर सेवक निश्चय जान आम होती आपणकर सेवक आज्ञा कथार वचन किम दरिद्रता आज्ञा वचन रे कदापि दरिद्रता करिवेनी आपण को किए रागुचित आपण हसिकी आज्ञा कहीदिंतु आपण ही सबकि खाली कहीदिंतु ना देखिए तार अधिक राग कमिजी आज्ञा से कथा को महाप्रभु पाखे स्तुति करुंट बृहस्पति कहीं बृहस्पति होती ब्राह्मण शरीर ता सहित कौन से होती देवता देव मानकर भितर से होती गुरु आज्ञा से जापारतु ब्राह्मण पाखे कहीं के बुद्धि अच्छे आज्ञा से बुद्धि को सदा सर्वदा से उपयुक्त स्थान कटे आउ कौन कर संसार मंगल पाई सदा सर्वदा से मध्ये कथा करें ये बृहस्पति को रक्षा करें ये संसार को सी रक्षा करार पाखे समर्थ अच्छे आज्ञा अंगीरा से संपूर्ण भाव स्तुति करने प्रसन्न होती प्रसन्न हाँपर इंद्र देखिले जीवदान इंद्र को देले जीवदान जीवदान दे सारापर एणु तु जीव नाम घेन संपूर्ण भाव जीव नाम को घेनी महादेव संपूर्ण भाव एवं अमर पूरे चल संगते घेनी आखंडल समस्त को नहीं पुनर्वार चलीगले भाव शिव चरण तले पड़ी उठी कपाड़े कर जोड़ी एठारे जो कपाड़ हाथ जोड़ी से अंतर्ध्यान महाप्रभु ही गले आज्ञा अंतर्ध्यान ही गलापर कुआड़े गले कौन है एथु अंतरे शुण नृप ईश्वर देहु जेताप अनल रूपे उत्पति कह आकाश धरित्री ता देखि देव विश्वनाथे अग्नि की घेणी राम हस्ते गंगा सगर भेट जही से अग्नि पढ़ाइले तही बाहुड़ी विजे कपिलासे एथु अंतरे भी बसे रुद्र अनल पड़ी जले इंद्र अर्जिला कर्म फले जात बाड़क रूप धरी कांदई घोर राग करी ध्वनि शुभई तीन पूरे शुणी कंपंती सुरन रे अपूर्व भावर कथा आज्ञा महाप्रभुंकर थारु जो अनल जात होता से अनल को केही धरी पारिले नहीं केवल अग्निदेव ताको कौन कले शांत करिबा पाई जोठारे गंगा आउ समुद्रर संगम से स्थान जिते पकई बाहुड़ी विजय कपिला से एथु अंतर रे तीनी पुरे कण कई रुद्रंकर अनल पड़ी जले इंद्र अर्जिला कर्म फल इंद्रंकर अर्जित कर्म फल जो अग्निजात होता जिते जात बाड़क गोटे बाड़कटीए
संपूर्ण भाव जात है से जिते बड़े अनल जिते बड़े जल में पड़ी आज्ञा अनल जल पड़े जपरी भाव बाष्पीभूत हो जिते बड़े संपूर्ण भाव धूआ सृष्टि होता है से भाई भाव में महाप्रभु अनल ना या कौन है एक बालक जात है से पी कौन करवाला ना कांदई घोर राव करी कांदई घोर राव करी धुनी कंपई तीनपुर जार संपूर्ण भाव कंदन जी तीनपुर कंपुची शुणी कंपई सुना शिविर ये कंदन को शुणी शिव कंपिला संपूर्ण भाव देवदेव इंद्रंकर आसतु तापर कौन हो किए से बाक कौन तार नाम किए पोषण करुची कौन किपर भाव तार बल परिक्रमा आसतु श्रवण करवा सरस्त हो सर्वजंतु कहीं न जाने किस हेतु स्तंभित बारा नदी पा जलधी राजा ताणी मिले बाड़ पासे कुमर रूप देखी दोसे दिव्य सुंदर महातेज देश ने ज्योति ग्रह राज उत्तान साई हो पड़ी कांदई करी घोर रड़ी सगर सुत प्राय मणि कोले दईला ताणी क्रोध निवारी बाकुमन बालक कर रोदन बेल हूँ बेल दीर्घ रड़ी जेने प्रलय घड़ घड़ी ध्वनि बोरित दस दिशे शुणी कंपंती चतुर्दिशे उलुका पाते जेने मही जगत जन देखी आरोही मराल बाहने प्रवेश सिंधु सनिध्याने ब्रह्मा को देखी जलेश्वर चरण कला नमस्कार अपूर्व भाव सहित से भाई भाव रोदन करते बड़े वरुण राज कथा कह जाए कि जलाधिपति वरुण राज आज आसिक जिते बड़े देखी दिव्य सुंदर महातेज देश ने ज्योति ग्रह राज ग्रह भितर राजा होती किए ना सूर्य नारायण से होती ग्रह राजनी तेज कहीं महाप्रभु देवदेव महादेव ग्रह संपूर्ण भाव अनल रु जात द्वारा उत्तर संपूर्ण भाव उत्तान नासी देह पड़ी क्रंदई करी घर घड़ी संपूर्ण भाव कंदन करपर भाव भाव घोर रड़ी छाड़ू से घोर रड़ी में सगर दिभाग हो जाऊ सगर भाविले जे ये संपूर्ण भाव सगरंकर कन्या से निजे बालक रूप को संपूर्ण भाव नहीं कौन करना स्तुति करुनी पुतने दस दिशे शुणी कंपई चतुर्दिशे चतुर्दिग से भाव उलका पिंड भली पड़ा भली संपूर्ण भाव जगत जन देखी बही आरोही संपूर्ण भाव कौन है किसी कौन तो यादर किसी पड़ा ब्रह्मा से आसी पहुँची जाइंटी आ ब्रह्मा जिते पहुँची जाइंटे बड़े कौन जलाधिपति कौन कर चरण से पाद पद्म को पूजा करी कौन करसतु श्रवण पुत्र को ब्रह्मा करे दे कह भक्ति भाव बही वो प्रभु ए मोर नंदन जन्म हु कर हिरोदन केबे नहिला शांत चित तुम्हें तो जगतर तात ए पुत्र क्रोध शांत कर प्रसन्न हो दियवर मु तुम्ह चरणर दास पुत्र को कर मोर मो संतोष सगर वाक्य पद्मजोनी बालक प्रति दया गिनी बोले क्रोध शांत कर जुव अवस्था हे तार संसार हुए महाराजा सकल लोके पाओ पूजा इच्छा रे भोग कर मही तोते जीणंता नहु केही अपूर्व भाव सहित स्तुति करुछंती मोर ये पुत्र ये जन्म हवा ठार क्रंदन करुछंती आपण तो सबकि शांत करी पारंती मो पुओ को शांत कर दियंतु सेते बले धरी ब्रह्मा कौन कहते तू युवक अवस्था है जा देखु किपर भाव यदि बड़ मान आशीर्वाद रुहे ना सबकि असंभव मध्य संभव हो जाए ब्रह्मा कहते युवक अवस्था है जा राज भोग कर आउ अखंड महिकी तू भोग करने संसार हो महाराजा सकल लोके पाओ पूजा इच्छा भोगरे मही इच्छा रे भोग कर मही तोते न जीणतु ना कही तते कई न जीणी पारंतु यही भाव में बरदान दवापर कौन घटना घटला आसतु श्रवण करवा जलुजे हेलु अवतार नाम तोहर जलंधर हरि हरि बोल
जलु जे लु अवतार नाम तो हेउ जलंधर ए मंतवि वाक्य बोध कुमर शांति कला क्रोध मघवा शरीर तत्क्षणे नमयी विधाता चरणे कपाले जोड़ी बेनी कर बोलई शुण बेदवर तुम्बे माने जे एक जणे मोते समर्पी मंत्री बणे से मोते कहो राजनीति देवे प्रसन्न वेदपति सागर सुत वाक्य भी चिंतिले शुक्र मुनि तही कसणे ब्रह्मांक अग्रत आसे मिलिले भृगुसुत। पूर्व कथा आज्ञा जेतेबेले ई समस्त प्रकार नाम कौन देले ना संपूर्ण भाव रे जेहेतु क्रंदन करुथिले जळु जे हेलु अवतार नाम तो हेउ जळंधर जेते संपूर्ण भाव रे जळुरु जात हितबा द्वारा तंकर नाम हला जळंधर एमंते वही वाक्य बोधे कुमार शांत कला क्रोधे से बोली भाव रे कथा सुणी सल्ला परे शांत हला क्रोध क्रोध शांत हवा मात्र के से कौन कला ना कपाले जोड़ी बेनी कर बोलई सुण वेदवर सुणंतु वेदवर ब्रह्मा तुम्भे आमे जे एक जणे मते समर्पी मंत्र पुणे से बोली भाव रे समर्पित कर करंतु ये समस्त प्रकार मंत्र जंत्र जेपरि भाव रे मु सबु किथि शिक्षा भाई पाई परिबि तुम्भे माने जे एक जणे मते समर्पी मंत्र पुणे से मते कहू राजनीति किए मते बोली भाव रे राजा करिबा पाई कहि देल किए मते राजनीति सिखेइबो से कथा मध्य कहि दियंतु से मते कहू राजनीति देव प्रसन्न वेदपति वेदपति प्रसन्न ही कहते सागर सुत वाक्य वही चिंतिले शुक्र मुनि को चिंता कले कौन करवाई ना राजनीति शिखेवाई तुम संपूर्ण भाव कसणे ब्रह्मा अग्रते आसी मिलिले भृगुकृते भृगुसुत आसी मिलिले कौन कहते कौन घटना घटुच आज्ञा निश्चित भाव आपण मैंने श्रवण करवा दरकार सप्तम अध्याय ये समस्त प्रकार तत्व जलंधर उपाख्यान आपण मैंने श्रवण करसतु आगको मध्य कौन घटना घटुची आउ किपरि भाव रे अष्टम अध्याय रे जलंधरंकर प्रसंग ताको मध्य श्रवण करिबा आउ श्रवण करिबा सहित आमे मध्य महाप्रभुंकर नाम को भजन करिबा। चरणे कले नमस्कार हे नमस्कार कल्याण करि वेदवर बोलन्ति सुण शुक्रपति तुझे सकल गुणे ख्याति सिंधु सुत तु जलंधर मर्त्य मंडले राजा कर मंत्री तु थेबो एहा तुले एमंत कहिबी गले ब्रह्मावो ब्रह्मालोकरे परवेश नमयी महा देवदास एणु ब्रह्माऊ पति जहूँ तांक चरणे चित्त रहू हरि हरि वो। पूर्व कथा आज्ञा कहिले देखि समस्त प्रकार विधि विधान को शुक्र को कहीदेले जेहेतु से होती ब्रह्मा आज्ञा से कल्याण करी वेदवर बोलती शुण शुक्रपति तुझे सकल गुण ख्याति तथे तो सबकि गुण जना आउ कौन मंत्री तु थी यहा तुले एमते कह संपूर्ण भाव विधाता कहीदे जोबले चली जाटार सप्तम अध्याय संपूर्ण भाव समाप्त कर महादेव दास से ब्रह्मा चरण से पाद को पूजा कर सप्तम अध्याय को समाप्त करी श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये जलंधर उत्पत्ति कथने ब्रह्मा वरदाने नाम सप्तम अध्याय भीमस्यावीरणो भंगो मुनिरापि मतिभ्रमा यदि शुद्धम शोधम वा मम दोष न विद्यते। जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ।